टपरी, तेरे गिरफ्तारी के तो वारंट लगे हुए हैं। उसी सिलसिले में सलमान साहब के साथ बात करने के लिए आया हूँ, ज्यादा खुश नहीं हूँ। लेकिन तू तो गया, तुम्हारा काम हो गया, अब क्या होगा? अब तो सारा कराची मेरे अंडर होगा। साहब है ये, वाह 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 वाह, चौधरी साहब क्या हमारे दर पे आए हैं, वाह वाह, बड़ा दिल गुर्दा है, हमारे पास आए हैं, वाह वाह, बड़ी बड़ी पार्टी के रहनुमा, हमारे पास कमाल है, बड़ी पार्टी बना रहे हो तुम आजकल, और पार्टी कहाँ बना रहे हो जिसकी सड़कों के नाम तक पता नहीं है। जब सड़कों के नाम पता नहीं है कराची के, तो तुम कराची से फायदा है, कराची बनाओ, क्या जाओ, पैसा कमाओ, कराची की खिदमत करने की। यहाँ के किसी रोड के बारे में जानते हो कि वो रोड कौन सा है? और खिदमत से करने चले हो कराची के अवाम की। ये कराची की अवाम है पढ़ी लिखी शोर वाली। तुम जैसे लोग सिर्फ यहाँ पर आते हैं और अपनी दुकान चमकाने के लिए धोखा दही करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं वोट हासिल करने के लिए। आप जरा वहां बैठे हैं, आपसे जरा तफसील बात करते हैं, तफसीली बात। कराची तुम आ गए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ, मैंने कहा ना तुमको कि तुम लोगों की खिदमत करने के लिए आए हो। अपने पिंड की तुमने कोई खिदमत की है? अपने इलाके को तुमने साफ सुथरा किया है? क्या हम अगर कराची सोने की चिड़िया है कि लूटो लूटो लूटो, बस बेवकूफ बनाओ यहाँ। सर इसके पास क्या है? इसके पास 10 सीटें हैं, कराची का है ये। बंगाली है तो क्या हुआ, है कराची का, कराची की हिम्मत करता है मुझे माने इस पर। सर तो ये क्या, तुम 10 सीट तो क्या 5 भी नहीं ले सकते, और 5 क्या 25 सीट लेके क्या करोगे तुम? खिदमत करोगे लोगों की? बस नोट बटोरोगे, टैक्स वैक्स लोगे, कमाओगे और चल दोगे। यार तुम लोग वो हो जो अपने पिंड को नहीं बना सकते, वो कराची को बनाने के लिए आए हैं। ये बंगाली है, ये काम करता है, कराची का बंदा है ये कराची में ही रहता है, कराची में ही कमाता है, कराची में ही खर्च करता है, सब कुछ कराची के साथ है इसका। तुम्हारा, तुम कमाओगे लूटोगे? नहीं सर, ये बातों में भी तकलीफ करेगा। जाओगे बस, तुम्हारी बात ही अलग है। पार्टी वार्टी तुम्हारा नहीं है शौक, खिदमत तुम्हारा शौक नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने को अपने आप को समझते हो। तुम्हारे साथ चंद ऐसे लोग जरूर शामिल होंगे जो बड़े ओहदों पर होंगे, उनकी कहने पर तुम यहाँ आए हो, पार्टी बना रहे हो, उनके जरिए तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और लूटोगे पैसे और पहुंचा दोगे अपने घर पे। कराची के साथ तो तुमने कुछ नहीं किया ना, क्या किया उन्हीं पैसों में से जो तुम यहाँ से कमाओगे? अगर कराची में खर्च करते हो, कोई पार्क बनाते हो, कोई स्कूल बनाते हो, आप साथ दे रहे हो इस, ये काम का बंदा है, ये कराची का है, बस मैं ये जानता हूँ कि ये कराची का है, बस ये कराची में कमाएगा, अगर कमाता है तो कराची में खर्चे, कराची में खर्चे। तुम लूटोगे, बड़ों के कहने पर परमिट हासिल करोगे, वहां से लूटोगे, वहां से ठेकेदारी करके काम नहीं, हमारी असलियत भी असलियत क्या है तुम्हारी, क्या असलियत है तुम्हारी, कोई आप नहीं जानते मेरे को। मैं जानता हूँ अच्छी तरह, जानता हूँ तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। सलमान खान नाम है मेरा, और सलमान खान काम करता है, काम पब्लिक के लिए, अवाम के लिए, समझे? खिदमत करो अवाम की, उसके बाद बात बनेगी तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी वैल्यू की, फिर लोग तुम्हारे पास आएंगे, पैसे लुटाओगे, लोगों को खरीदोगे और फिर उन्हीं से तुम वसूल कर लोगे। बस ये लूट है तुम्हारी, ये लूटोगे, यहां से लूटोगे, बस क्या करोगे तुम? 1 लाख फेंकोगे, 10 लाख कमाओगे, ये है तुम्हारा सेवा, उसके बाद घर चले जाओगे। ये बंदा कराची का है जैसा भी है।
जी लेकिन सर मैं बता रहा हूँ ना मेरी तरह से ये चलो अच्छा अपनी रफ्तार को ऐसे रखो तो रफ्तार में मोहब्बत इज्जत शामिल है लूट नहीं करप्शन नहीं ठेकेदारी निजाम नहीं इससे कमाया उससे कमाया उससे कमाया 10 लाख फेंके 1 करोड़ कमाया 10 करोड़ फेंके 1 अरब कमाया बस अवाम का है अवाम तो है सर लेकिन अवाम तो वही है टूटी फूटी सड़कें कितने अरसे से लोग हुकूमत कर रहे हैं कितने अरसे से लोग हुकूमत कर रहे हैं लेकिन सर इसकी मुझे समझ नहीं आ रही यार समझ नहीं आ रही मैं बता रहा हूँ ना कितने अरसे से खिदमत कर रहे हैं काम कर रहे हैं क्या काम क्या काम कर रहे हैं कौन सा काम आप हमारे साथ दे मैं बता रहा हूँ ना मेरी बात सुनो ये जितने लोग बैठे हैं हुकूमत चौधरियों का साथ देंगे चौधरियों का साथ चौधरी पार्टी बनाओ चौधरी का साथ देंगे तो नफा होगा नहीं कोई नफा नहीं होगा नुकसान होगा अभी भी तो सारे चौधरी हैं ये दूसरे इलाके के चौधरी हैं वो फलाने इलाके के चौधरी हैं लूट रहे बस आप क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं करो कुछ करना है तो करो खिदमत करो आवाम की عوام کی خدمت کرو گے تو عزت ملے گی رسپیکٹ ملے گی عوام پھر تمہارے سارے لوگ سر لوگ اس لیے کہ تم سے چودھری کا ساتھ دیں گے تو کام ہوگا چودھری اپنے علاقے میں جاؤ وہاں پر چودھراہٹ کرو یہاں بڑے لکھے لوگ ہیں شعور والے نیا چودھری کو مانتے ہیں نہ سردار کو مانتے ہیں نہ بڑے کو مانتے ہیں ایسے کسی کو نہیں مانتے ہیں यहाँ काम मानते हैं लेकिन सर करो हमारे दो नौकरियां दो हमारे बगैर भी नहीं चलते सर हाँ ये तुम सही कहते हो बहुत सारे लोग तुम्हारे ऐसे हैं कि उनके बगैर नहीं चलता ये मैं जानता हूँ समझता हूँ लेकिन अब हालात बदल रहे हैं लोग जाग रहे हैं उठ रहे हैं लेकिन सर शोर आना चाहिए लेकिन बीच में नहीं काम 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 कराची से कमाना है कराची को चमकाओ बड़े दावे करते हैं आने वाले पेरिस बना देंगे पेरिस और वही टूटी फूटी सड़कें अब बारिश होगी तुम हालात देख लेना हाँ देखो क्या कह रहा है सुनो उसकी बात तुम इसको आम आदमी नहीं समझो ये कराची का जो बंदा होता है वो शऊर रखता है बोलना जानता है देखो कैसे बोल रहा है ये खिदमत करो कराची की मैं तो कहोगे अगर आप हमारा साथ देंगे तो साथ हमारा मैं तुम्हें रास्ते में लाना चाह रहा हूँ और तुम कह रहे हो मैं साथ दूं तुम्हारा साथ दूंगा तो अपनी आकबत खराब करूंगा अपनी वैल्यू खराब करूंगा वो लोग चाहते हैं वो क्या करेंगे क्या सोचेंगे मेरे लिए कि मैं तुम्हारे पीछे उल्लू बन गया लट्टू हो गया मैं आपको बनाओ लेकिन सर मेरी बात आप नहीं सुन रहे मैं फिर यही कहूंगा लोगों के दरमियान आओ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके कैसी है आप क्या हो रहा है क्या सोच रही हैं बैठे हुए कुछ हमें भी तो पता चले अच्छा कैसे लोगों को पता होगा इसका मेरे घर से बात आउट नहीं हो सकती हेलो जी कौन यकीनन तुम्हारे साथ कोई होगा तुम्हारा पीछा हुआ करता हुआ कोई आया है उसने पीछा किया निशानदेही की कि तुम मुझसे मिलने आ रही ये तमाम पार्टी वालों को बहुत अचंभा हुआ खौफजदा हो गए फिर उन्होंने तुम्हारे साथ जो मेरी बातचीत हुई यकीनन उन्हीं लोगों ने उसको आउट किया जो तुम्हारा पीछा करते मेरे पास आए थे या जिन्होंने रिपोर्ट दी ये तुम्हारा पीछा करते मेरे बंदों में इतनी ताकत नहीं है और यकीनन इसमें हाथ है चौधरी का उसको मैंने ठीक ठाक सुनाई थी कि काम के लिए निकलो तो मैं साथ हूं तुम्हारे और लूटने के लिए और नुकसान पहुंचाने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा
और दो चार पार्टियां हैं, कोई ना कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। मेरे पीछे कौन हो सकता है सलमान सर? सब कुछ तो वर गया, चौधरी वालों को और दूसरी पार्टी वालों को तकलीफ हो रही है कि तुम मेरी पार्टी में आ गई हो। असल में वो तुम्हारी खूबसूरती से बहुत नाराज हैं। मेरी खूबसूरती? तुम्हारे काम से मुतासिर हूं और मैंने इसीलिए तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल किया है कि सिर्फ खूबसूरती कोई चीज नहीं होती है, काम होता है। काम जब हम काम करेंगे लोगों के साथ, उनका ख्याल रखेंगे, तो हमारी खूबसूरती में इजाफा होगा। इसलिए कि अल्लाह भी ऐसे लोगों का साथ देता है जिनकी नीयत साफ होती है, काम करते हैं। ये पार्टी वाले जितने भी हैं, ये भूल रहे कि इनका पाला किससे पड़ा है। सलमान खान कमजोर नहीं है और मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में जो शामिल किया है ना, वो सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया है। क्यों कि ये जिंदगी कितनी होती है, कब तक, खा पी के खत्म। लेकिन अगर तुम्हारी इज्जत महफूज रहती है लोगों के साथ साथ, तुम्हारी इज्जत बनती है जब लोगों के तुम काम आओगे, तुम्हारा एक वजूद होगा, सही वजूद, जिस हिसाब से अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है उसमें ये बात वाजे बता देता है कि हुकूकुल इबाद, मेरे बंदों की खिदमत करो, उनके काम आओ। और तुमने मेरी पार्टी में आकर अपने आप को सीधे ट्रैक पर, और देखना तुम ये जितने पार्टी वाले हैं ना, जितने चौधरी और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, ये खंपा नोचते रहेंगे। हाँ, अगर तुमने अगर कोई इनकी बात में आकर कोई कदम उठा लिया तो उससे सलमान को नुकसान नहीं है, तुम्हें नुकसान होगा। तुम्हें, तुम यानी ना यहां की रहोगी ना वहां की रहोगी, रोड पर निकलोगी तो लोग तुम्हें इज्जत नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होगा। लोगों की खिदमत करो मेरा एक उसूल है, लोगों की खिदमत करो और अपनी इज्जत बनाओ। मैं बता रहा हूं ना तुमको, तुम पार्टी में आई, लोग जेलस हो गए, परेशान हो गए कि सलमान खान ने इसको ले लिया है, बस इसकी भी इज्जत बन गई, पार्टी की भी इज्जत बन गई। मैं अपनी पार्टी में अच्छे और बाशऊर लोगों को लेना चाहता हूँ। मेरे जैसे इस दौर में अभी होश में रहना बहुत जरूरी है सलमान साहब। मैं तो वैसे ही होश में हूँ, मुझे पीने के बाद होश आता है। बस होश में आता हूँ जब जब तुम्हें भी देखता हूँ, तुम भी तो होश उड़ा देती हो। तुम्हारी बात यह अलग है, तुम लोगों की बातों में नहीं आओ, ये लोग तुम्हें सिर्फ बदनाम करेंगे। मैं तुम्हें इज्जत दिलाऊंगा और नाम होगा मेरी पार्टी में आकर तुम्हें सुकून मिलेगा। ये लोग तुम्हारे पीछे है तुम्हें हटाने के लिए, निकालने के लिए मेरी पार्टी से, लेकिन इससे सलमान खान को कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उसी का है जो पार्टी छोड़ कर जाता है। देखना इनको तो मैं अपनी उंगलियों पे ऐसा नाचना चाहूंगी कि अपना नाच भी भूल जाएंगे। तुम्हारी यही अदाएं तो हमें मार देती है। हम अपनी पार्टी का जरूर सोचते हैं, लेकिन हम अपना भी सोचते हैं, अपना भी, कि तुम्हें देखकर हम होश में नहीं जाते। सुकून मिलता है तुम्हें देखकर, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे चेहरे को जब देखते हैं तो खुश होते हैं, हमारा सांस तेजी से चलना शुरू होता है। सही। हम तुम्हारी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हैं।
बहुत पसंद करते हैं आपको, लेकिन सलमान खान, सलमान खान किसी को पसंद करता है तो उसकी हिफाजत करना भी जानता है, हिफाजत करना भी जानता है। ये लोग कितने तुम्हारे पीछे लगा दे लोग नुकसान पहुंचाने के लिए या तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा ले, लेकिन सलमान खान तुम्हें हर दफा बचाएगा, महफूज रखेगा, ये वादा है सलमान खान का। वादा है हमारा, याद रखो, सलमान जो वादा करता